मणिपुर का स्थिति जो है अभी है बहुत हालात बहुत ख़राब है, स्पेशली हमारे कुकी लोगों का। मैक्सिमम छोड़ो, अभी भी जब अभी हम बात कर रहे हैं हमारा घर अभी जल रहे हैं, हमारे लोग जंगलों में बिना खाना बिना पानी सब जंगलों पे छिप रहे हैं। आप समझ सकते हो, ना इंटरनेट है ना हमारा लाइफ, जो यहाँ आके हम लोग रात को सो सकते हैं वो लोग सोने के लिए घर भी नहीं है मणिपुर में। हमारे कुकी लोगों का जो भाई बहन अभी बच्चे तक अभी सेफ नहीं है। कल 3 दिन पहले हमारे 5-7 बच्चे को मार दिया गया है क्योंकि वो इम्फाल वैली में अपना इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस में अपने मम्मी और अपने दूसरे रिलेटिव के साथ, वो भी फीमेल है, वो लोग इलाज कराने के लिए वैली में गया है। उनको गोली मारा, 5-7 बच्चे को गोली मारने के बाद मरा नहीं, एम्बुलेंस के अंदर डाल के दोनों माँ के साथ अंदर डाल के जला दिया। ठीक है, बच्चे और माँ को एम्बुलेंस के अंदर डालकर जला दिया है। जलाने के बाद आप इन लोगों ने ये आप पूछ रहे हैं कौन सच है और कौन झूठ है। आप ये लोगों ने ये बताया गया है कि ये 5 साल बच्चे ने मैतेई लोगों का घर जलाने के लिए गया, बंदूक उठाया, इसलिए उनको मारा गया है। आपको क्या लगता है 5 साल बच्चा घर जलाएगा? खेलने कूदने का बच्चा क्या किसी का घर जाने का दिमाग आएगा? कौन सच है कौन झूठ है ये दुनिया जानता है, आप भी जानते हो। ठीक है ना, झूठ हम नहीं हैं, हम सच बोल रहे हैं। इम्फाल वैली में मार्केट चल रहा है, ये लोग खाना खा रहे, आराम से सो रहा है, पी रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मर मर के घर, हम यहाँ पे कहाँ कि जहाँ पे भी जगह मिल रही है भागने के लिए भाग रहे। तो आप मणिपुर में भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री का क्या इस पर प्रतिक्रिया है? भाजपा की सरकार होने के बाद इतना कुछ हो रहा है, तो भाजपा को इसलिए तो देखा जाता है ना कि भाजपा शांतिपूर्ण तरीके से हर काम करती है, तो इतना प्रदर्शन होना, क्या उस मुख्यमंत्री का कुछ रिएक्शन है? हमें अभी पॉलिटिकल का हमें कोई कमेंट नहीं करना है। सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है, अभी जो हम कुकी लोग मर रहे हैं, सबसे पहले इंसानियत के नाते आप हमें बचाइए, क्योंकि बच्चा एक 5 साल बच्चा मार दिया गया, ये ह्यूमन वायलेशन है। ये भी इन लोगों ने लिमिट तक इतना हद तक गिर गया, ह्यूमन वायलेशन 5 साल बच्चे को, हाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्योंकि इन लोगों ने 5 साल बच्चे को गोली मार दिया। तो इसका मतलब इंजाम लगा रहे आप ये बच्चे, आप घर जलाने के लिए कोशिश किया तब हमने आप उसको मारा है, गोली मारा है। दैट्स हाउ दे जस्टिफाई देमसेल्फ, दिस इज वेरी बैड। ये बिल्कुल गलत है। आज आप लोग गृह मंत्री के घर पे भी आप लोग का प्रदर्शन था, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग गृह मंत्री से शायद मिले भी हैं। हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया, वहाँ पर हमने हमें बाहर प्रॉमिस किया कि आपको मिला दिया जाएगा। तो 4 लोग अंदर आइए, बाकी लोग इधर आइए, बाकी लोग यहाँ पहुँच गए जंतर मंतर में, हम 4 लोग गए हैं। ठीक है, हम लोग 4 लोग अंदर जाके हमने मेमोरेंडम दे दिया है। हम अभी विश्वास करते हैं वो हमारे छोड़िए इंसानियत के नाते जो सही है उनके लिए, जैसे तो मिलवाया गया गृह मंत्री से, उनसे हमें सबमिट कर दिया। हमने मिले नहीं, आप नहीं मिला, हमने सबमिट कर दिया है, सबमिट कर दिया। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? जो आप लोग बार बार आर्मी पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आर्मी का क्या रवैया हो? सुनिए, देखिए अभी जो है ना स्टेट फोर्सेस में आता है कमांडो, IRB आता है और मणिपुर पुलिस आता है, मणिपुर पुलिस, और ये स्टेट फोर्सेस में आता है। इन लोग क्या करते हैं, वर्दी पहन के अरांबाई टेंगोल मैतेई लिपुन ये एक्स्ट्रा वर्दी लेके वो लोग स्टेट फोर्सेस के नाम पे जाके हमारे गांव में दरवाज़ा खटखटाते हैं, खोले, हम आपको बचाने के लिए आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम खोलते हैं तो वही लोग हमें मार के हमारे घर को जला रहे हैं। पुलिस के वर्दी का दुरुपयोग हो रहा है। और सुनिए, पेनवा के फिर उसको बाद जो भी अटैक करना होते हैं विलेजेस, उसमें आप पुलिस फोर्सेस का नाम पे आप वो अटैक कर लेते हैं। और अभी हाँ, और अभी जो आर्मी लोग हैं, आर्मी लोग सिर्फ गांव बचाने के लिए जाते हैं। तो मैं अभी से कुछ देर पहले एक तिरंगे की बात करते, वो लोग अपना तिरंगा बना लिए, ऐसा कुछ था। बिल्कुल मैतेई लोग क्या करते हैं, ये कम्युनल फैलाना चाहते हैं, अपने आप को इंडियन बोलना चाहते हैं। क्या वो इंडियन नहीं है क्या? तो आपके व्यवहार से आप उनको जज कीजिए। अगर वो इंडियन हैं तो इन लोगों ने इंडियन फ्लैग क्यों जलाया। दूसरी बात, अपना अलग से तिरंगा भी है उनके, उसका कुछ फुटेज है आपके पास? हाँ, सरेल तरेट करके कुछ उनका, मैं अभी कंफर्म करके बताऊंगी। हाँ, जहाँ पे भी वो लोग चर्च को जलाते हैं वो अपना तिरंगा वहाँ पे रखते हैं, ना इंडिया फ्लैग है ना वो अपना तिरंगा। इसका मतलब ये प्योरली बेस्ड ये मिलिटेंट्स है। ये लोग जो 1933 में, जो 20th सेंचुरी में जो हिटलर का काम करते हैं ना, ये CM बिरेन ये कर रहे हैं अभी। मतलब भाजपा के CM हिटलर का काम कर रहे हैं। भाजपा का CM नहीं है, मैतेई बिरेन CM, ये अरांबाई का CM है। ये हम पॉलिटिकली नहीं करिए, ही इज एंटी कुकी, ठीक है ना, ये एंटी कुकी है। ये मैतेई बिरेन CM है, मैतेई लोगों का CM है। तमाम तरीके के आरोप हैं, कुछ लोग मैतेई पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ को कुकी कम्युनिटी पे आरोप लगा रहे हैं। सवाल यही बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि यहाँ पे जो लगातार सवाल एक दूसरे कम्युनिटी पे उठाए जा रहे हैं। फिर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री, उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, इंडियन आर्मी पर भी सवाल खड़ा। इन लोगों का ये कहना है कि कुकी कम्युनिटी जब हम लोग के साथ मारपीट होता है, जब हमारा घर चलाया जाता है, तो वहाँ पर मैतेई कम्युनिटी का लोग अपना जाके अपना तिरंगा लगाता है, ना कि इंडियन तिरंगा लगाता है। तो मतलब भारत के तिरंगे का भी अपमान हो रहा है। इन लोगों का ये भी कहना है कि इंडियन फ्लैग को जला दिया गया। तो तमाम तरीके के आरोप आप देखना है।